हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आरजे होम इलेक्ट्रॉनिक्स में स्वागत है। आज हम आपको एसी के सर्विस के बारे में बताएंगे कि विंडो एसी की सर्विस किस तरीके से की जाती है। और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे जो वीडियोज़ हैं आपके पास पहुँचती रहें, आपको इन्फॉर्मेशन होम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में मिलती रहे। और अगर आपको कोई इशू लगता है होम इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना लेंगे जिससे आपको नॉलेज मिलती रहे। तो देखिए, इस तरीके से स्टेबलाइजर की वायर खोली जाती है। इसके अंदर तीन वायर जाती है, फेस, न्यूटन और अर्थिंग। तो हम ये तीनों वायर खोलेंगे स्क्रू ड्राइवर से। अब देख सकते हैं इस तरीके से इसकी वायर खुलेगी। आपको पहले ध्यान रखना है कि पहले से आपको ऑफ कर लेना है पावर, तब जाके वो खोलना है। हमने ये खोल लिया है वायर। देखिए ये, फिर हम इसके फिल्टर खोलेंगे। ये साइड से हमारा ये खुल जाता है, ओपन हो जाता है, जिस तरीके से हम इसके फिल्टर निकाल सकते हैं। इसका हम फिल्टर अब निकालेंगे। ये फिल्टर होता है जो एयर को साफ करके अंदर भेजता है। ये ग्रिल होता है, आप ग्रिल को तरीके से खोलें, क्योंकि इसका जो होता है, इसके जो लॉक होते हैं ये टूट जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है। तो आपको इसको एक साइड से आराम से खोलना होता है, ऊपर से करके, जहाँ पे लॉक हो उस साइड से आराम से खोलें, जिस तरीके से देखो खोला गया है। तो इसके अंदर पीसीबी होती है जो आपको फ्रंट पे दिखेगी, पीसीबी वाली। तो इसके वायर आपको तरीके से निकालना है, टूटे नहीं, नहीं तो फिर ये आपका पीसीबी खराब हो सकता है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, इसे निकाल के साइड में रख दें। ये पूरी एसी आपकी बाहर निकलती है, देख सकते हैं। इस तरीके से आप बीच में पकड़ के आप इसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो एसी जो है आपकी निकल आती है बाहर। देखिए इसे बाहर निकल गई है। हम इसको दो, देखिए दो लोग चाहिए होता है, अकेले नहीं हो पाता ये। बाहर निकालने के लिए हमें दो पर्सन की आवश्यकता होती है। इस तरीके से हम बाहर निकालेंगे इसे। देखिए इस तरीके से बाहर आ गया अपना एसी। तो हम इसको अब सर्विस करेंगे इसकी। हम इसे अब आप इसे बालकनी में या बाथरूम में रख के सर्विस इसकी कर सकते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं हम बाथरूम में लेके आ गए हैं इसे। और इस तरीके से ऊपर का जो कवर होता है ये आपका हटता है, जिससे एसी जो है हमारी ढंग से सर्विस होएगी, तरीके से सर्विस करेंगे हम इसका। तो यह आपका ऊपर का जो पेच है, स्क्रूज हैं, ये खुलते हैं, तो ऊपर स्क्रूज लगे होते हैं, इस तरीके से आपको भी खोलना है, देख सकते हैं आप इसको। ये सारे स्क्रूज खोलते हैं, इसके अंदर 10-12 स्क्रूज होते हैं, तो आपको खुलते हैं। हर विंडो एसी इसी प्रकार से होता है, थोड़ा बहुत अलग होता है, बट इसी प्रकार से आपका सर्विस होता है, चाहे वोल्टास हो, ब्लू स्टार हो, कोई भी कंपनी का एसी हो, गोदरेज हो, इसी प्रकार से खुलता है। के अंदर आप देख सकते हैं ये फैन लगा हुआ है, पीछे फैन लगा होता है, ये कंप्रेसर होता है अपना जो आप कूलिंग करता है, और ये मोटर होता है जो फैन मोटर कहा जाता है इसे।
हमने सारा पेज खोल लिया। इसको आप ऊपर उठाएंगे, थोड़ा चिपका होता है, थोड़ा जोर से लगा के आपको उठाना होता है, तो आपका ओपन हो जाता है इस प्रकार। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं आपका फ़ैन मोटर है, फ़ैन पीछे लगा होता है, ये कंप्रेसर होता है आपका, ये देखिए कितना गंदा है, इसके ये कंडेंसर होता है, और ये जो होता है कूलिंग कोयल होता है। आगे में जो लगा होता है कूलिंग कोयल कहा जाता है उसे, और पीछे कंडेंसर कहा जाता है। पहले देखिए, इस खोलने के बाद हम मोटर को इसको कवर करेंगे किसी पन्नी से कि इसमें पानी ना जाए, वाटर जो है इसके अंदर ना जाए, नहीं तो ये मोटर ख़राब हो सकता है। इस वजह से हम मोटर को कवर करेंगे। अगर आपका कंडेंसर गंदा हो जाता है तो जो हीट होती है, जो कंप्रेसर की हीट होती है, वो बाहर नहीं आ पाती, जिस वजह से कंप्रेसर आपका ट्रिप करता है, बंद हो जाता है, कूलिंग नहीं कर पाता है। तो आपको इस कंडेंसर को तरीके से साफ़ करना होता है। देखिए, आपने साफ़ कर दिया लगभग, पहले जैसा गंदा था अब नहीं है। इस तरीके से आप हर पार्ट को साफ़ कीजिए। आप सरफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं, हमने सरफ़ का यूज़ किया है। इसके अंदर फ्लोर जो होता है नीचे, वाइट कलर का जो फ्लोर दिख रहा है, जिस पे सब कुछ रखा गया है वाइट कलर का, ये इसको भी आप सरफ से साफ कर सकते हैं। कंडेंसर को आप तरीके से साफ करें, क्योंकि सबसे मेन हिस्सा यही होता है, एयर निकलने का हिस्सा यहीं से होता है, क्योंकि वो जो फैन आग पर घूमता है और एयर को बाहर फेंकता है, कंडेंसर के थ्रू एयर बाहर जाती है। अगर आपका कंडेंसर ही ब्लॉक होगा तो हवा जो है बाहर नहीं जा पाएगी, जो हीट है बाहर नहीं जा पाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, हम इसके कवर को भी धोएंगे, जो हमने कवर निकाला था इस तरीके से। अब हम इसको पैक करेंगे, हमारा हो गया अब सर्विस। आपको ढंग से धोना होता है, हमने इसको पूरा प्रॉपर धो दिया है, ये सर्विस अब हो गया। इसको जिस तरीके से हमने इसे ओपन किया था उस तरीके से पैक कर देंगे। पैक कर दिया हमने, जिस तरीके से हमने निकाला था उसी तरीके से अंदर ही डालना है आपको। तो ये देखिए, हम फिल्टर लगा रहे हैं, फिल्टर भी धो धो के लगाना होता है आपको। ये ग्रिल हम जो होती है, जो हमने अभी बंद किया है, इसको भी आपको पानी से धोना होता है। पर ये ध्यान रखना होता है कि पीसीबी में पानी ना आ जाए, आप पीसीबी आप पहले निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपका होगा। हम इसके वायर लगाएंगे, जिस प्रकार हमने वायर खोले थे उसी प्रकार ही हमें वायर डालना होता है। आप देख सकते हैं, फेस में फेस डलेगा, न्यूटन में न्यूटन, और अर्थ में अर्थिंग डलेगी। तो हमारा ये लगभग हो ही गया ऐसी सर्विस। तो इस तरीके से ऐसी सर्विस की जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, जिससे और भी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। और आप कमेंट बॉक्स में लगा कुछ कह सकते हैं, अगर आपको कुछ और जानना हो होम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। हम सभी होम इलेक्ट्रॉनिक्स करते हैं, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अच्छी लगे तो आप कमेंट लाइक कर सकते हैं, सो प्लीज़ अपना रिप्लाई दीजिए जैसा भी आपको लगे। तो इस तरीके से अपना वायरिंग होती है, आप देख सकते हैं। पूरे जो इसके स्क्रू हैं, इसको तरीके से आपको कसना है, ढीला नहीं होना चाहिए। तो आपको स्क्रू तरीके से कसना होता है, जो वायर लगाएगी उसका भी स्क्रू ढंग से कसना होता है कि कहीं शॉर्ट ना हो। अगर ढीला होता है तो स्पार्किंग होता है, तो आपको थोड़ा टाइट ही कसना है।
जिस तरीके से वायर की क्लिपिंग की गई थी उसी तरीके से हम कर देंगे। अब इसको हम चला के देखेंगे ये चल रहा है कि नहीं। मैं इसे स्टार्ट कर दिया है, देख सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं स्टार्ट करके, देखिए ये 21 पे हमने स्टार्ट कर दिया इसे। तो ये चेक करेंगे कि कंप्रेसर आपका चल रहा है कि नहीं। वैसे तो चलता ही है क्योंकि हमने सर्विस की है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।